ये हुआ आपका। नीलयुग ना मैं बोलूंगा बच्चों का खेलने का प्लेस किड जोन है जैनोस, वहाँ पे 3 साल की बच्ची का डेथ हुआ है, क्या है पूरा मामला सर? पंतनगर पुलिस स्टेशन पर हद में एक नीलयुग मॉल रेलवे स्टेशन का वहाँ पे है और 5th फ्लोर पे किड जोन है। किड जोन में बच्चे लोगों के खेलने के सब संसाधन है। 30 तारीख को दोपहर को 4 बजे के दरमियान मिस्टर करण वर्मा और उनकी वाइफ और 3.5 साल की छोटी बच्ची वहाँ पे खेलने आए थे। वहाँ पे वो स्लाइडिंग है, वो स्लाइडिंग पे खेलते वक्त वो नीचे आने के बाद वो लड़की को थोड़ा ये चक्कर आया करके उसको हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। ट्रीटमेंट उधर हॉस्पिटल में वो डेथ बिफोर एडमिशन डिक्लेयर किया है। हम लोगों ने वहाँ पे स्पॉट विजिट करके तहकीकात चालू कर दी है। वहाँ पे जो कर्मचारी है उनके स्टेटमेंट लिए है और जो घटना घटी है वो पेरेंट्स वहाँ मौजूद थे, उनकी एक्सीडेंटल डेथ करके है ऐसा उनके ओपिनियन है, उनकी कोई कंप्लेंट या डाउट नहीं है। वो लड़की का पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स पे अभी कॉज ऑफ डेथ स्पेसिफिक रीज़न दिया नहीं है। वो डॉक्टर से वो स्पेसिफिक क्या कॉज ऑफ डेथ है वो जो मिलेगा उसके ऊपर आगे हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तो एक एक्सीडेंटल डेथ करके रजिस्टर किया है। क्रिकेट जोन मध्ये लहान मुलीचा खेळताना मृत्यू झाला आहे अशी दुर्दैवी घटना घडली, नेमकी घटना काय आहे? पंतनगर पोलीस ठाणे हद्दीत नीलयुग मॉल आहे स्टेशनसमोर, 5व्या माळ्यावर तिथे किड झोन आहे, तिथे लहान मुलांची खेळण्याची साधनं आहेत। तर 30 तारीखला 30 ऑक्टोबरला 4 वाजताच्या सुमारास मिस्टर करण वर्मा आणि त्यांची पत्नी तसेच ते त्यांची 3.5 वर्षाची मुलगी असे त्या मॉलमध्ये किड झोनला खेळायला आले होते। ती मुलगी त्या किडजूनमधल्या घसरगुंडीवर खेळत असताना ती घसरून खाली आली आणि त्यानंतर तिला चक्कर आल्यासारखं वाटलं, त्यामुळे तिला फोर्टिस हॉस्पिटलला उपचारकामी देण्यात आलं। तिथे उपचाराला नेलं असता ती डेथ बिफोर ॲडमिशन डॉक्टरने डिक्लेअर केलेलं आहे। ते ही घटना मुलीच्या पालकांसमोरच घडलेली आहे आणि त्या घटनेबद्दल चौकशी केली असता पालकांचं ॲक्सिडेंटल डेथ असंच म्हणणं आहे, त्यांची काही संशय तक्रार नाही आहे। आणि तिथले अटेंडंट किंवा ते मॉलचे कर्मचारी यांच्याशी आम्ही त्यांच्याकडे चौकशी करीत आहोत। तसंच पोस्टमार्टम करण्यात आलेलं आहे पण डॉक्टरांनी कॉज ऑफ डेथबाबत क्लिअर काही ओपिनियन अद्याप दिलेलं नाही आहे। ते जे ओपिनियन प्राप्त होईल त्यानुसार आणि जे चौकशीत निष्पन्न होईल त्यानुसार कारवाई करू। सध्या अपमृत्यू नोंद करण्यात येऊन चौकशी चालू आहे। मॅम, झेनोजमध्ये एक घटना होती जिसमें दादीशाह नाम की एक लड़की का मृत्यु हुआ, क्या पूरी घटना है, क्या हुआ था उस दिन? हाँ, उधर दादीशाह 4 से हम लोग के यहाँ स्लॉट वाइज होता है तो 4 to 5:30 के स्लॉट में आई थी और वो खेल रही थी इधर। उसने हेलोवीन का कॉस्ट्यूम भी पहना और सब किया, राइट, और हेलोवीन का कॉस्ट्यूम भी पहना और उधर स्लाइड करने अभी अराउंड व्हाट टाइम 4:15 और अराउंड व्हाट टाइम वो स्लाइड करने गई तो उधर स्लाइड में से वो नीचे आ रही थी। नीचे आके भी वो बराबर थी, मम्मी इसके साथ बात की और मम्मी को बोला, मतलब ऐसे हग किया और मम्मी के साथ बात भी की
तो मम्मी ने उसको हग किया और फिर मम्मी उसके किसी को फ़ोन लगा रहे थे और फिर उसमें उसको थोड़ी अनकॉन्शियस जैसी हो गई। उसके बाद उसको कहाँ लेके गए थे और किस तरह से आपके यहाँ से ट्रीट हुआ उसको? हाँ, हम लोग की स्टाफ ने उसको मतलब इधर दीप पारिक करके डॉक्टर है तो उनको बोला था कि मतलब उनको फ़ोन करने का ट्राई किया पर उसमें से गेस्ट में से एक जन ने उसको ऐसा बोला कि दीप पारिक इज देयर यू गो, तो वो फटाक से वो गए और हम लोग के स्टाफ साथ में ही जा रहे थे पर वो पहले लिफ्ट में चले गए और उधर से वो लोग क्लिनिक के पास एंड हम में से हाँ वो क्लिनिक के पास गए और तभी आई वेंट सेकंड लिफ्ट में। टाइम डिफरेंस में तो हम लोग उनको रीच नहीं कर पाए कि वो किधर पहुँचे, वैसे सेकंड लिफ्ट में गए इसके लिए। अभी उस लड़की का डेथ हुआ है, आपके यहाँ पे सेफ्टी नॉट पर जो सवाल उठे जा रहे हैं किस तरह का सेफ्टी यहाँ पे है, किस तरह से ये हुआ है आपका क्या कहना है? हम लोग के सभी में हम लोग का है ना कवर लगाया है, सॉफ्ट प्ले एरिया है ये, तो हर रॉड पे हर पीस में आप देख सकते हो कि सब में सॉफ्ट थिंग्स लगाया हुआ है कि जैसे किसी को लगे नहीं इसके लिए। और हम लोग स्टाफ को भी पूरा ट्रेनिंग देते हैं, हर महीने हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे किड्स को हैंडल करने का, कैसे उनको मतलब सब ट्रैम्पोलिन में जाए तो उधर हेल्प करने का, उधर निंजा में जाए तो उधर हेल्प करने का, तो सब जगह हम लोग का स्टाफ खड़े ही रहते हैं और उनको हेल्प करते ही है। तो ये घटना हुई है किस वजह से वो आपको लगता है उसको कहीं पे लगा है सिर में कुछ ऐसा हुआ है? यहाँ पर तो मतलब ऐसे वो स्लाइड से नीचे आई तभी तो वो बराबर उसकी मम्मी के साथ बात भी की, तो अभी हम लोग को भी नहीं पता मतलब कैसे वो हुआ ऐसे। आपका नाम है? रचना।